कैंट थाने की पुलिस ने गैंग बनाकर हत्या करने वाले चार अभियुक्तों के ऊपर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की है, जिसके संबंध में एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने बताया कि अभियुक्तों ने 10 अगस्त को कैंट क्षेत्र के बितिहाता क्षेत्र में सुनियोजित ढंग से रामकृष्ण मिश्र को जान से मारने की नीयत से चाकू से जानलेवा हमला कर दिया, जिससे रामकृष्ण मिश्र गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं अभियुक्तों द्वारा भद्दी भद्दी गालियां तथा जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गए। इलाज के दौरान घायल रामकृष्ण मिश्र उपरोक्त की मृत्यु हो गई, जिससे आम जनमानस में भय व्याप्त हो गया है, जिसके संबंध में थाना कैंट जनपद पर मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसको देखते हुए जिलाधिकारी के निर्देश पर चारों अभियुक्तों के ऊपर गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज किया गया है, जिनकी पहचान दीपक चौहान पुत्र अरविंद चौहान निवासी नहर रोड रुस्तमपुर थाना रामगढ़ताल जनपद गोरखपुर, दूसरा सूरज पुत्र छेदी निवासी गढ़ नहर रोड रुस्तमपुर थाना रामगढ़ताल जनपद गोरखपुर, तीसरा प्रदीप साहनी पुत्र शंकर साहनी निवासी टेलीफोन कॉलोनी के सामने रुस्तमपुर बेतिहाता थाना कैंट जनपद गोरखपुर, चौथा रामानंद पुत्र झगारू रावत निवासी हाल पता बेतिहाता हनुमान मंदिर के पास थाना कैंट गोरखपुर अस्थायी पता ग्राम पोस्ट मैनतापुर तहसील मेहदावल जनपद संत कबीर नगर गोरखपुर के रूप में हुई है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने कहा, जनपद गोरखपुर में अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश लगाने के अनुक्रम में आज थाना कैंट द्वारा एक गैंगस्टर का अभियोग पंजीकृत किया गया है, जिसमें 597/22 एक क्राइम जिसमें चाकू से गोदकर एक व्यक्ति की सुनियोजित तरीके से हत्या कर दी गई थी। इससे जनमानस में भय व्याप्त हो गया था। तो इस तरीके से एक दीपक चौहान, सूरज प्रदीप साहनी और रामानंद, इन चार अभियुक्तों के खिलाफ गैंगस्टर का अभियोग पंजीकृत किया गया है एवं इनकी जल्द ही प्रॉपर्टी सीज करके आगे की विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।